हफ्ते भर में कोरोना के मामले हुए डबल, 12 राज्यों में ऊपर जा रहा ग्राफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई हाई लेवल की मीटिंग। ग्लोबल प्रेशर में बिखरा शेयर बाजार, खुलते ही 700 अंक गिरा सेंसेक्स और निफ्टी भी 17,000 के पार। गुजरात के समुद्री सीमा से पकड़ी गई 330 करोड़ की ड्रग्स, 9 पाकिस्तानी नागरिक हुए गिरफ्तार। रूसी गोलीबारी में रविवार को खार्किव ओब्लास्ट में 2 लोगों की हुई मौत, 14 लोग हुए घायल। रूस मिसाइल अटैक, यूक्रेन में अमेरिकी हथियारों का जखीरा हुआ तबाह, रूसी मिसाइलों ने गोदाम का चप्पा चप्पा किया बर्बाद। हनुमान चालीसा विवाद में अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को कोर्ट ने 14 दिन के लिए भेजा न्यायिक हिरासत में। यूक्रेन के सभी शहरों में एयर स्ट्राइक का अलर्ट हुआ जारी। सीबीएसई बोर्ड ने बदला अपना सिलेबस, इस्लाम, मुगलों और लोकतंत्र पर आधारित कुछ चैप्टर्स के साथ फैज की नज़में भी हटाई। बॉक्स ऑफिस पर जर्सी ने पकड़ी रफ्तार, दूसरे दिन की लगभग 6 करोड़ रुपए की कमाई। मुंबई की लगातार 8वीं हार, लखनऊ ने 36 रन से जीता मैच।